Dear matric class students, कुछ सवाल हमारे रह गए थे 3.2 के. Question number 14. Find the value of a. Log a 3 is equals to 1 upon 2. हम हटा देंगे इसको, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे. क्वेश्चन, log a 3 is equals 1 upon 2. लॉग हटा देंगे, a रेस 3, सॉरी 1/2 इस पर आ जाएगा और 3 यहां पे आ जाएगा. a का भी, a रेस 1/2 का भी स्क्वायर करेंगे, 3 का भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें इस 1/2 को खत्म करना है. a रेस्ट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3 9, ये 2 कट गया इस 2 के साथ. a रेस्ट 1 इज इक्वल्स टू 9. वन दें या ना दें वो आपकी मर्जी है. a इज इक्वल्स टू 9. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, log a 1/25 is equals minus 3/2. log हटा देंगे, a is minus 3/2 is equals 1/25. पहले हम 2 को खत्म करेंगे, a रेस्ट माइनस 3/2 होल रेस्ट 2 इज इक्वल्स 1/25 होल रेस्ट 2. a रेस्ट माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 1/5 का स्क्वायर होल रेस्ट 2. 2 कट गया 2 से, a रेस्ट माइनस 3 इज इक्वल्स 1/5 रेस्ट 4, क्योंकि 1 का पावर वही 1 बन जाएगा, 5 के ऊपर 2 2 4. इसको पॉजिटिव करेंगे, 1/3 इज इक्वल्स 1/5 रेस्ट 4. तो a रेस्ट 3 इज इक्वल्स टू 5 raised 4. अब इसका भी थर्ड रूट करेंगे, थर्ड रूट ऑफ a रेज 3 इज इक्वल्स 5 रेज 4 का भी थर्ड.
या रूट। इसका मतलब है कि ये a बाहर आ जाएगा, यानी a raised 3 whole raised 1 upon 3, ये 3 यहां से हटाएंगे, थर्ड रूट हटाएंगे तो यहां 1 upon 3 आ जाएगा। इस इक्वल्स टू, इसमें इसको आसान करने का तरीका यह है कि यहां पर आप 4 5 दे दें, क्योंकि इसमें से 3 बाहर आएंगे। a raised 3 multiplied by 1 upon 3 is equals to 1 बाहर आ गया, और बाकी आपका अंदर ये 3 कट गया इस 3 के साथ। a is equals to 5 third root of 5, क्लियर। 16, log a1 is equals to 0, solution question आसान है, ये यहां जाएगा, इस इक्वल्स टू 1। उसके बाद नंबर 17, log under root 5 is equals to y इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, log under root 5 25 is equals to y, solution log under root 5 25 is equals to y, log हट जाएगा तो under root 5 के ऊपर y आ जाएगा, is equals 25, इसका भी स्क्वायर करेंगे का भी स्क्वायर आ जाएगा, ये अंडर रूट 5 हटकर हट जाएगा, 5 रेस्ट y हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, रेस टू 5 रेस 5, 5 रेस 4, दोनों बराबर ही साइड है 5 और 5, तो y इज इक्वल टू 4। नंबर 18,
log 10 power 100 is equals to y. Solution log 10 100 is equals to y log hat jayega 10 raised y is equals to 100. दोनों साइडों को हमें 10 बनाना है. 10 raised y is equals to 10 का स्क्वायर. तो y is equals to 2. ये 10 10 बराबर. तो ये पावर आपस में बराबर. क्वेश्चन नंबर 19. Log 55 is equals y. Solution log 55 power 55 is equals to y. Log hat jayega 55 raised y is equals to 55 kyunki ye na chala jayega ye na chala jayega dono barabar hai is 55 ke upar kuch nahi hai to 1 hai. So y is equals to 1. उसके बाद 20. क्वेश्चन नंबर 20 है. इसे 1728 to base 203. इसका मतलब है 203 base. तो हम पहले इसको बनाकर लिखेंगे. log base 203 power 1728. ये हो गया क्वेश्चन. सॉल्यूशन log 2 base 203 is equals 1728 is equals to x. log हटा देंगे 2 under root 3 raise x is equals 1728. अब हमें इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है, अंडर रूट खत्म करना है. तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बना देंगे. 2 अंडर रूट 3 रेस्ट x होल स्क्वायर is equals to 1728. इसका स्क्वायर बनाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बाहर आ जाएगा. होल रेज एक्स सेम 1728 के भी 12 के फैक्टर्स निकालेंगे. 1728 पे 12 का देखेंगे टेबल. 12 बनता है 12.
बाकी बचे 552, 12 4 जा 48, बाकी बचे 4, 48 12 4 जा 48, फिर 12 का 12 जा 12, 12 2 जा 24, फिर 12 का 12 जा 12, ये 12 का क्यूब आएगा, 4 3 जा 12, raised x is equals 12 raised 3 up to x is equals to 3. Clear? उसके बाद 21 और 22 सेम है वो आप कर लीजिएगा. उसके बाद 23 में कराता हूं, 28 solution log 8 128 is equals to x log हट जाएगा 8 raise x is equals 128 8 के फैक्टर्स 3 और 2 रेस 3 होल रेस x 128 के फैक्टर्स 2 4 जा 3 2 6 जा 12 सॉरी 2 4 जा 8 2 3 is a 6, 2 2 is a 4, 2 1 is a 2, 2 6 is a 12, 2 8 is a 16, 2 4 is a 8, 2 2 is a 4, 2 1 is a 2. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. 2 raised 7. तो ये हो जाएगा 2 raised 3x is equals 2 raised 7 तो 3x is equals to 7 तो x is equals to 7 upon 3. ठीक है?